सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इनफाइनाइट सीरीज को कैसे प्रिपेयर किया जाए आपके पास एक सीरीज़ दी होगी आपको उसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस या ऑसिलेशन ये चेक करनी होगी फिर हमने कुछ नाम देखे थे कुछ टेस्ट के जो सीरीज़ को कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस दिखाने के लिए यूज होते हैं तो आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो में पी टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट सबसे पहले अगर हम पी टेस्ट की बात करें तो पी टेस्ट आपको ये कहते हैं कि अगर आपके पास सीरीज इस फॉर्म की है वन अपॉन एन की पावर पी तो ये सीरीज कन्वर्जेंट तब होगी अगर पी की वैल्यू वन से बड़ी होगी और ये जो सीरीज होगी ये डाइवर्जेंट होगी अगर पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन हो इसका प्रूफ अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं इसका प्रूफ आप कर सकते हो कौशी इंटीग्रल टेस्ट की हेल्प से भी जो कि हम आने वाली वीडियोज में करेंगे पर फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि ये सीरीज अपॉन एन की पावर पी ये कन्वर्जेंट होगी पी ग्रेटर देन के लिए सो so, अगर मैं ये लिखता हूँ कि समीशन वन अपॉन एन है ये सीरीज क्या होगी आपके पास ये सीरीज होगी डाइवर्जेंट और अगर मैं लिखता हूँ समीशन वन अपॉन एन स्क्वेर तो ये सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट क्योंकि कंपेयर करो यहाँ पे क्या कंपेयर करने ये वैल्यू कंपेयर करो इस पी से अगर ये टू को पी से कंपेयर करेंगे तो ये वन से बड़ा है पी वन से बड़ा है ये नंबर जो है वो वन से बड़ा है तो ये सीरीज क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी नेक्स्ट अगर हम बात करें समीशन वन अपॉन एन की पावर वन बाई टू समीशन वन अपॉन एन की पावर वन बाय टू तो ये सीरीज आपको डाइवर्जेंट देखने को मिलेगी अगर मैं बात करूँ समीशन वन अपॉन एन की पावर थ्री बाई टू तो आप लिखोगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है बाय यूजिंग पी टेस्ट तो जब भी आपके पास समीशन वन अपॉन एन की पावर समथिंग हो तो सिर्फ आपको ये देखना है कि ये जो पावर है ये जो पावर है वो पावर वन से बड़ी है तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी अगर वो पावर वन से छोटी है या उसके इक्वल है तो वो सीरीज़ आपके पास डाइवर्जेंट होगी तो ये है पी टेस्ट आपके पास अगर हम कंपैरिजन टेस्ट की बात करें तो कंपैरिजन टेस्ट के दो फॉर्म है दो रूप है इसके दो अलग अलग तरीकों से अप्लाई होते हैं सबसे पहले कंपैरिजन टेस्ट में देखो नाम से पता चल रहा है कि हम कंपेयर करेंगे दो सीरीज को कंपेयर करने वाले हैं आपके पास गिवन क्या होगी गिवन होगी समीशन ए एन एक सीरीज गिवन होगी अगर मान लेते हैं कि ए एन बी एन से छोटी है जो an टर्म्स है वो bn से छोटी है देन अगर सममिशन bn कन्वर्जेंट है अगर सममिशन bn कन्वर्जेंट है तो देन सममिशन an भी कन्वर्जेंट होगा सममिशन an b कन्वर्जेंट होगा तो ये बता रहा है कि अगर आपके पास बड़े वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो छोटे वाली सीरीज सममिशन an b कन्वर्ज करेगी सेकंड अगर हम इसे लिखें ए एन लेस इक्वल टू बी एन है अगर छोटे वाली सीरीज डाइवर्ज कर रही है समीशन ए एन डाइवर्जेंट है देन समीशन बी एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट तो ये वाली सीरीज भी क्या होगी ये भी डाइवर्जेंट होगी अगर समीशन ए एन डाइवर्जेंट है आपके पास तो समीशन बी एन भी डाइवर्जेंट होगी कंपैरिजन टेस्ट का ये फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट फॉर्म है अब यहां पे सोचने वाली बात ये होती है कि बी एन हम खुद से सेलेक्ट करेंगे बी एन एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन होगी नीड ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बी एन हम चूज करेंगे ठीक है कंपैरिजन टेस्ट का सेकंड फॉर्म है कि आपके पास समीशन ए एन ये एक इनफाइनाइट सीरीज गिवन है ये क्या गिवन है एक इनफाइनाइट सीरीज गिवन है ठीक है आपने क्या करना है ए एन अपॉन बी एन ये रेशो लेनी है। ये रेशो अगर आपके पास एल आ जाता है जो कि एक नॉन जीरो और नॉट इनफाइनाइट हो बेसिकली ये क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए और सेकंड थिंग ये एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए क्या होना चाहिए फाइनाइट नंबर अगर ए एन और बी एन की रेशो की लिमिट एल आ जाती है रेशो की लिमिट ठीक है अगर वो एल आ जाती है देन वी से Then we say कि जो समीशन ए एन है और समीशन बी एन है ये दोनों साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे मतलब कि साथ में कन्वर्ज करेंगे और साथ में डाइवर्ज दे बोथ कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर ठीक है तो क्या होगा इन दोनों में प्यार है तो ये कन्वर्ज भी साथ में करेंगे और ये डाइवर्ज भी साथ में करेंगे प्रोवाइडेड ए एन गिवन होगा आपके पास बी एन आप खुद से सेलेक्ट करोगे आपने इन दोनों की रेशियो ली उसकी लिमिट निकाल ली और वो एल के बराबर आ गया एल अगर नॉन जीरो नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर है देन हम क्या कहते हैं कि समीशन ए एन और समीशन बी एन बोथ कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर पी टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट की स्टेटमेंट समझने के बाद अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे ताकि आप इन्हें अप्लाई कर सको इन दोनों रिजल्ट्स को सो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिस्कस करने हमें सीरीज आपके पास दी हुई है एन अपॉन एन स्क्वेयर प्लस एन प्लस वन सो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व करने की ए एन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई एन अपॉन एन स्क्वेयर प्लस एन प्लस हमें बी खुद से लेना पड़ेगा तो बी हम खुद से क्या लेंगे बी की वैल्यू आ गई आपके पास वन बाय अभी ये हमने कैसे सोचा तो देखो डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है टू और न्यूमिनेटर में डिग्री कितनी है वन जो इनका डिफरेंस होगा वो वन है तो आपको क्या लेना है बी को लेना है वन बाई एन अब हम लिमिट निकालेंगे इन दोनों की ए एन और बी की लिमिट फाइंड आउट की तो लिमिट फाइंड आउट की लिमिट एन अप्रोचिंग टू तो इन्फिनिटी एन अपॉन एन स्क्वेयर प्लस एन अपॉन वन, वन बाई अपॉन वन बा वन बाय एन तो ये बनेगा आपके पास लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एन स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर नीचे से कॉमन निकलेगा वन प्लस आ, ये बचेगा वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वेयर अब यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी एन स्क्वेयर से एन स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा सो so आपके पास क्या बचेगा लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी वन अपॉन वन प्लस जीरो प्लस जीरो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा वन आ जाएगा क्योंकि लिमिट रेशो की लिमिट वन आ गई ठीक है दैट इज नॉन जीरो है ये नंबर आपके पास नॉन जीरो और फाइनाइट है देर फोर जो समीशन ए एन और समीशन बी एन दीज बो, बोथ बिहेव सेम इन दोनों का बिहेवियर कैसा होगा सेम होगा मतलब कि कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगे बट समीशन बी एन को अगर हम ऑब्जर्व करें समीशन बी एन किसके इक्वल है वन अपॉन एन यहाँ पे पी टेस्ट इंट्रोड्यूस होगा क्योंकि एन की पावर वन है और अगर पावर वन हो तो वो वो जो सीरीज होती है वो डाइवर्जेंट होती है समीशन वन अपॉन एन इज़ डाइवर्जेंट ये डाइवर्जेंट है यूजिंग वट पी टेस्ट पी टेस्ट का यूज करके डाइवर्जेंट है देयरफॉर समीशन ए एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट तो इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास समीशन ए एन बी डाइवर्जेंट हो जाएगी गिवन आपके पास सिंपल सा ये क्वेश्चन था ए एन आपने लिखा बी एन की वैल्यू वन बाय एन इस तरीके से लिखी कि न्यूमिनेटरों और डिनोमिनेटर की डिग्री का डिफरेंस देख लिया अब ए एन आपने एज इट इज लिख दिया डिवाइडेड बाई बी एन बी एन वन बाय एन तो ये आपके पास बनेगा एन स्क्वेयर और ये बनेगा एन स्क्वेयर ब्रैकेट वन प्लस वन बाय प्लस वन बाय स्क्र अब यहाँ पे लिमिट अप्रोच करवा दी तो ये दोनों टर्म्स वैनिश हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे तो इसका आंसर वन आ गया क्योंकि ये नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर है तो समीशन और बी एन दोनों का बिहेवियर सेम होगा और समीशन बी एन डाइवर्जेंट है तो समीशन ए एन भी क्या होगी डाइवर्जेंट होगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा क्वेश्चन है सो so, इस क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है टू हैिटी स्क्वेयर रूट एन अपॉन एन स्क्वेयर प्लस वन तो सबसे पहले आपने ए एन लिख लिया ए एन की वैल्यू कितनी आ गई स्क्वेर रूट एन अपॉन एन स्क्वेयर प्लस वन न्यूमिरेटर में अगर हम देखें तो एन की पावर कितनी है वन बाई टू है और डिनोमिनेटर में एन की पावर कितनी है टू है इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा टू माइनस वन टू दैट इज थ्री बाई टू दो में से आधा गया तो डेढ़ बचा दैट इज थ्री बाई टू तो बी एन हमें क्या लेना पड़ेगा बी एन लेना पड़ेगा वन अपॉन एन की पावर थ्री बाय टू ठीक है ये सब कुछ कुछ नहीं लिखना सीधा आपको क्या लिखना है बी एन की वैल्यू लिखनी है बी एन लिखना है अब क्या करो लिमिट फाइंड आउट करो किसकी एन अप्रोचिंग टू तो इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन की लिमिट तो लिमिट एन अप्रोचिंग टू तो इन्फिनिटी स्क्वेर रूट एन अपॉन एन स्क्वेयर प्लस वन वन अपॉन एन की पावर थ्री बाय टू अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी तो ये क्या बनेगा आपके पास लिमिट एन अप्रोचिंग टू इनफिनिटी एन स्क्र अपॉन एन स्क्र प्लस वन। अब फिर से क्या करो नीचे एन स्क्वेयर कॉमन निकालना पड़ेगा अगर एन स्क्र कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा वन प्लस वन बाई एन स्क्वेयर बचेगा ये एन स्क्र आउट हो जाएगा आपके पास फाइनली क्या बचेगा लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी वन अपॉन वन प्लस जीरो इक्वल टू वन तो फाइनली हमें क्या देखने को मिला कि ये रेशो की लिमिट इसका आंसर वन आ गया नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर आ गया देर फोर बोथ समीशन ए एन एंड समीशन बी एन बिहेव अलाइक इन दोनों का बिहेवियर कैसा Same -same होगा सेम सेम बिहेवियर होगा और समीशन बी एन किसके इक्वल थी समीशन बी एन आपके पास थी समीशन वन अपॉन एन की पावर थ्री बाई टू ये क्या है आपके पास ये कन्वर्जेंट सीरीज है ये कन्वर्जेंट सीरीज है यूजिंग पी टेस्ट देर फोर समीशन ए एन भी क्या हो जाएगी ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी तो समीशन ए एन क्या हो गया आपके पास कन्वर्जेंट हो गया नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है

ठीक है जो हमें बी एन लिखना है बी एन की वैल्यू क्या लेंगे हम वन अपॉन एन की पावर पी सिंपली अब हमें रेशियो निकालनी है लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन तो ये आपके पास क्या आएगा लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन की पावर पी प्लस क्यू बाई एन इन टू वन अपॉन एन की पावर पी सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो पी वाली पावर्स तो कट जाएंगी तो ये क्या बचेगा आपके पास इट विल बी वन अपॉन एन की पावर क्यू बाई एन और लिमिट एन अप्रोचिंग टू इनिटी अब इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है इसकी लिमिट क्या होगी इसे लिख सकते हैं अपॉन की पावर की पावर क्यू और हमें पता है कि एन की पावर वन बाई एन की लिमिट किसके बराबर होगी वन के बराबर अगर एन अप्रोच करेगा इनफिनिटी को तो जो ये एक्सप्रेशन है इसकी लिमिट कितनी आ गई वन के बराबर आ गई वन के बराबर तो वन की पावर क्यूब वन आ गया तो इसकी लिमिट आ गई वन बिकॉज आपके पास लिमिट एन अप्रोचिंग टू तो इंफिनिटी ए एन और बी एन रेशियो की लिमिट फाइनाइट आ गई फाइनाइट नॉन जीरो फाइनाइट और नॉन जीरो देर फोर बोथ समीशन ए एन और समीशन बी एन कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर ये दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज हो रहे हैं टुगेदर और समीशन वन अपॉन एन की पावर पी ये कब कन्वर्ज करेगा अगर पी की वैल्यू वन से बड़ी होगी तो ये कन्वर्ज करेगा अगर पी की वैल्यू वन से बड़ी होगी और अगर पी लेस देन और इक्वल टू वन होगा तो ये डाइवर्जेंट होगा तो फाइनली इस क्वेश्चन की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिस्कस करनी थी तो आप सिंपली लास्ट में लिखोगे अगर पी की वैल्यू वन से बड़ी है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है अगर पी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू वन है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट है ठीक है इजी से क्वेश्चंस है इस वाले टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये और भी ज्यादा आसान लगने वाले हैं सो so, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वीडियो में भी हम पी टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे हम एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करेंगे एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन तो ऐसे आपके पास 10 से 12 वीडियोस बन जाएंगी उस केस में आपको हर पर वो छोटी छोटी वीडियोस होंगी उनको कवर करने के बाद आपका पी टेस्ट और कम्पेरिजन टेस्ट से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा पढ़ते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल के साथ